सुगत मेरे पास है मोटरोला S40 जिसकी यहाँ पर हम कैमरा टेस्टिंग करने वाले हैं रियल लाइफ में, जो कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कैमरे के बारे में, कौन कौन सा कैमरा कितने कितने मेगापिक्सल का। तो जो रियर कैमरा मिलता है इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का, जो कि मेन कैमरा है OIS के साथ आता है, OIS कैमरा है, वही 13 मेगापिक्सल इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है। और यहाँ पर जो फ्रंट में जो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। भाई अभी कैमरा जैसे हम ओपन करते हैं, कैमरा का इंटरफेस जो कुछ इस तरह का है यहाँ पर, और देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको भी नज़र आ रहा है। हालांकि जो कैमरे में थोड़ा इतना अजीब नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि लाइटिंग लाइटिंग थोड़ी सी नज़र आती है ज़्यादा। और भाई वीडियो पे कुछ इस तरह का दिखाता है, पोर्ट्रेट में कुछ इस तरह का। तो ऐसे में कुछ इंडोर के सैंपल लेंगे, बाकी सैंपल हम लेंगे आउटडोर के, जहाँ पर हम ब्लॉगिंग भी करके देखने वाले। लेकिन प्रो मोड मुझे इसका काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। जैसे नॉर्मल अगर मैं यहाँ पर फोटो क्लिक वगैरह कर रहा हूँ ना, देख रहा हूँ ना, जैसे जो डिस्प्ले में इसमें नज़र आ रही है, जैसे एक सैंपल ले लेते हैं यहाँ पर हम, मैं क्लिक करता हूँ इसको, ये क्लिक किया हमने, और भाई एक कर लेते हैं यहाँ पर प्रो मोड वाला, जो कि सेटिंग है इसके अंदर वाइड डिफ़ॉल्ट है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। अभी मैं क्लिक करता हूँ इस पर, ऑलराइट। अब दोनों फोटो देखना अपना, ये लिए हमने प्रो मोड से, भाई डिटेल देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त दिखा रहे हैं यहाँ पर। भाई जैसे अगर मैं उसमें जाता हूँ नॉर्मल फ़ोटो को, नॉर्मल फ़ोटो पर देखो नॉइज़ आ रही है यहाँ पर, देख रहे हो पेंट जो है बोलर का वो थोड़ा सा नॉइज़ी दिखा रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली प्रो मोड में फ़ोटो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर आ रही है, प्रो मोड की क्वालिटी यहाँ पर सुपर मुझे लगी। और जैसे टाइमिंग की अगर बात करें, जैसे नॉर्मल हम प्रो मोड में फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट सेटिंग है सारी, शटर स्पीड वगैरह ISO वगैरह ऑटोमेटिक सेट है यहाँ पर। अब मैं क्लिक करता हूँ तो काफ़ी जल्दी क्लिक कर रहा है, और यहाँ पर नॉर्मल मोड में तो ऑलमोस्ट स्पीड सेम है, लेकिन प्रो मोड में ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट फोटो अच्छी आ रही है। ऐसे में आप फोटो लेने सोच रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग भी इस फोन की इतनी ज़बरदस्त है कि अच्छी फोटोज़ ये दे देगा। वीडियो वाले सेक्शन पर चलते हैं, वीडियो की क्वालिटी इंडोर खैर इतनी ज़बरदस्त इसकी होने नहीं वाली जहाँ तक मुझे लगता है। और देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम भी करेंगे, अभी जूम तो काफ़ी फास्ट हो रहा है भाई, इसे और कर लेते हैं थोड़ा सा जूम। ऑलराइट, ये तो खैर इंडोर के सैंपल हो गए, लेकिन असली मज़ा जो आएगा आउटडोर के सैंपल में आएगा, जो कि हम किसी गिम्बल और ट्राईपोड के बिना ही हम जिसको यूज़ करने वाले हैं। तो एक बार प्ले करते हैं वीडियो को, देखो इंडोर की जो वीडियो क्वालिटी है ना वो डिसेंट टाइप की है, ठीक है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ अच्छी क्वालिटी है इंडोर की। यहाँ पर वीडियो क्वालिटी अगर बात करें, लाइटिंग अगर अच्छी कर रखी है। ऑलराइट भाई, पोर्ट्रेट मोड में कुछ फ़ोटो ले लेते हैं यहाँ पर हम, ये पोर्ट्रेट मोड में ले रहे हैं। और भाई इसमें जो ना वो वाला स्ट्रीट मोड वाले सारे फंक्शन देती है, 50 mm वगैरह ये सारा, एक बार इसको भी ओपन कर दें भाई। ये तो फोटोज़ की क्वालिटी काफ़ी सही है, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है गाड़ी के एजेस वगैरह को भी यहाँ पर थोड़ा सा इसने ब्लर कर दिया, बैकग्राउंड ब्लर करना था बेसिकली। लेकिन एक और सैंपल लेके देखते हैं थोड़ा डिफरेंट एंगल से, अब मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा फोटो आने वाली है। तो भाई पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर जो काम कर रहा है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, पहले मुझे लगा इसने गाड़ी को भी ब्लर कर दिया। मोर में देखो कौन कौन से फंक्शन मिल जाते हैं, तो भाई मोर में देख रखते हैं यहाँ पर पैनोरोमा, डुअल कैप्चर यानी फ्रंट कैमरे और रियर कैमरे दोनों से रिकॉर्ड करेगा। ऑलराइट, डुअल कैप्चर वीडियो फोटो दोनों के लिए, नाइट विजन मिल जाता है, स्कैन मिल जाता है, स्पॉट कलर मिल जाता है। स्पॉट कलर मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा फीचर है, जैसे स्पॉट कलर पर मैं जाता हूँ स्पॉट कलर वीडियो पर। अभी भी क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे मैं कोई कलर ले लूँगा ना, जैसे मान लो यहाँ पर रेड कलर है, रेड कलर मैं ले लेता हूँ, क्योंकि रेड कलर थोड़ा सा दिख रहा है, खैर इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ऑलराइट, और भाई यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ स्पॉट, इस तरह से इसके ऊपर प्रेस करके कलर इसने चूज़ कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं वीडियो बनाना स्टार्ट। नाउ आप देखेंगे यहाँ पर जो वीडियो है ना, वीडियो में बाकी सारी चीज़ें जो ब्लैक एंड वाइट हो गई, देख रहे हो, मतलब जितने भी कलर हैं सारे ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रहे हैं, रेड कलर को छोड़ के, जो कि रेड कलर इसमें नज़र आ रहा था। अब जैसे मैं यहाँ पर वीडियो प्ले करता हूँ, हालांकि इसने इतना प्रॉपर यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया ना वो काफ़ी छोटा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर, भाई क्या ज़बरदस्त है ये मोड, आपको ना स्ट्रीट वीडियो शूट में या किसी चीज़ को आप हाईलाइट करना चाहते हैं ना, उसमें ज़रूर हेल्प करने वाला। सो गाइस, एक बार आप ये वाले सैंपल देखिए, इन सैंपल को देखो क्या लग रहा है आपको, भाई क्या ही बात करें, मतलब वीडियो क्वालिटी की भाई आउटडोर में तो भाई अमेजिंग है। डिटेल्स इतने ज़बरदस्त तरीके से कैप्चर कर रहा है, और जो कलर्स नज़र आ रहे हैं ना उनको अच्छे से एनहेंस कर रहा है, कलर्स के साथ जो डिटेल्स भी प्रॉपर से आ रही है। अब देखो यहाँ पर ना, देख सकते हैं, वाओ गाइस, लिटरली अमेजिंग। भाई फिलहाल प्राइमरी लेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं बिना किसी गिम्बल, बिना किसी ट्राइपॉड के, और फ़ोन का जो स्टेबलाइजेशन है ना वो भी फिलहाल हमने ऑफ किया हुआ है। ऐसे में जो डिटेल्स किस तरह नज़र आ रही है
कलर्स किस तरह के नज़र आ रहे हैं, जैसे हम कैजुअली रिकॉर्ड करते हैं हिलता उलता रहता है फ़ोन उसमें, तो उसमें किस तरह का जो क्वालिटी नज़र आ रही है, बेसिकली स्टेबलाइजेशन जो कैसे काम कर रहा है, मतलब फुटेज जब फ़ोन हिलता उलता रहता है तो क्वालिटी में भी ख़राब जाती है, तो उसके बावजूद जैसे फ़ोन हिल रहा है यहाँ पर रेगुलर, तो क्वालिटी में किस तरह का कोई डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बेसिकली क्वालिटी ख़राब तो नहीं आ रही। ऐसे में अभी स्टेबलाइजेशन ऑन करके जब रिकॉर्ड करते हैं, भाई फिलहाल जो स्टेबलाइजेशन यहाँ पर हमने ऑन कर लिया है और ऑन करने के बाद हम वॉक करते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसे में जो डिफरेंस किस तरह का नज़र आ रहा है क्वालिटी में, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि हम इस वक्त फ़ोन सेम हिल रहा है जैसे पहले हिल रहा था नॉर्मली चलते हुए, कैजुअली हमने फ़ोन को पकड़ा हुआ था, तो डिटेल्स कैसी नज़र आ रही है, कलर्स कैसे नज़र आ रहे हैं, इसका एनालिसिस हम बाद में करेंगे, हालांकि अभी आपके ऊपर छोड़ देते हैं किस तरह की क्वालिटी अभी नज़र आ रही है। सो गाइस अभी अल्ट्रा वाइड मोड ऑन कर लिया है और ऐसे में जो आप जो फुटेज देख रहे हैं ना, ये अल्ट्रा वाइड मोड की है, तो ऐसे में डिटेल्स जो किस तरह की नज़र आ रही है और कलर्स जो किस तरह के नज़र आ रहे हैं, हालांकि अभी थोड़ा अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा है क्योंकि भाई साहब बादल छाए हुए, जरूर बारिश कुछ ही देर में होने वाली है, उमस टाइप की हो रही है इसलिए धुंध टाइप का थोड़ा सा वेदर है अभी। खैर इसके बाद कैमरा टेस्टिंग की वीडियो बहुत जल्द आएगी और जैसे ही हम सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, तो इसमें न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है, जैसे मैं अभी विदाउट स्टेबलाइजेशन मोड ऑन किए हुए आप देख रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, जैसे हम वॉक करते हैं, जैसे फ़ोन को हम जिस तरह से पकड़ते हैं यूजुअली चलते हुए वैसे पकड़ा हुआ है, ऐसे में स्टेबलाइजेशन जो कैसा काम कर रहा है, जबकि अभी हमने ऑन नहीं किया है, अभी हम स्टेबलाइजेशन ऑन कर लेते हैं अल्ट्रावाइड में, अल्ट्रावाइड मोड विद स्टेबलाइजेशन, जैसे मैं जो डिफरेंस जो भी आपको नज़र आ रहा है अभी मैंने आपके ऊपर ही छोड़ा हुआ किस तरह का डिफरेंस जो आपको नज़र आ रहा होगा, और देख सकते हैं यहाँ पर गिंदी है ना, गिंदी को कितने अच्छे तरीके से दिखा रहा है, यहाँ पर कलर्स को कितने अच्छे से दिखा रहा है। हालांकि देखो अभी ना आसमान थोड़ा धुंधला है, बादल छाए हुए, हल्की हल्की धूप आ रही है, उसके बावजूद सूरज जो सामने है उसके बाद भी मतलब यहाँ पर जो किस तरह से जो कलर्स वगैरह को दिखा रहा है देख सकते हैं। और कुछ सैंपल मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा जो फोटोज़ वीडियोज़ के आप देखेंगे, फ़ोटोज़ के बहुत सारे सैंपल, फुल एचडी में चलाना, आपको एक्चुअल जो क्वालिटी आपको नज़र आ जाएगी, डिटेल्स जो किस तरह की नज़र आएगी, कलर जो किस तरह की नज़र आएंगे, एक आइडिया आपको लगने वाला। हालांकि इसमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट भी आ चुका है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद की वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, बहुत जल्द हम जो सैंपल कंपेयर करेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले के सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद की। सो गाइस फिलहाल हम फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं और विदाउट माइक के रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसे में ऑडियो क्वालिटी जो आ रही है वो फ़ोन के इनबिल्ट माइक से आ रही है। जैसे मैं आप ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हो ना, इसमें देख रहे हैं कितना वाइड एंगल कैप्चर कर रहा है, हालांकि भी मैंने कोई ट्राइपॉड नहीं लगा रखा, जैसे मिनी ट्राइपॉड लगा लेते हैं ना तो और ज़्यादा पीछे का बैकग्राउंड जो वाइड हो जाता है, हाथ में ही फ़ोन को पकड़ रहा है, हाथ में ही जो फ़ोन को पकड़ा हुआ उसके बाद भी देखो कितना वाइड दिखा रहा है, तो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी। यहाँ पर फ्रंट कैमरे में जो वाइड एंगल है ना, फ्रंट कैमरे का वाइड एंगल कैमरा जो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, जैसे मैं देख सकते हैं मेरे साथ साथ, जबकि मैंने फ़ोन को हाथ को पकड़ा हुआ उसके बाद भी देखो बैकग्राउंड जो कितना बड़ा दिखा रहा है। ऐसे में अगर हम मिनी ट्राइपॉड अगर ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हम यूजुअली ब्लॉगिंग करते हुए ब्लॉगर करते हैं, तो और भी ज़्यादा वाइड हो जाएगा ये, ऐसे में मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेटर लगी। और यहाँ पर फ्रंट कैमरे में जो 4K रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, हालांकि अभी मैंने स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं किया हुआ, जैसे कि मैं चलते हुए थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, अभी स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं है, फ़ोन को मैंने पकड़ा हुआ बिल्कुल भी, मैं फ़ोन को जो स्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा हाथ से, मतलब स्टेबल करके नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नॉर्मली जैसे कैजुअली फ़ोन को पकड़ लेते हैं हिलता डुलता रहता है वैसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी क्या करते हैं, स्टेबलाइजेशन ऑन कर देते हैं। सो गाइस फिलहाल जो स्टेबलाइजेशन ऑन कर दिया है और स्टेबलाइजेशन ऑन करने के बाद जो डेफिनेटली यहाँ पर जो वीडियो स्टेबलाइज होगी 100% होगी, जैसे मैं जो स्टेबलाइजेशन करने के बाद कुछ इस तरह की है वीडियो क्वालिटी जो हम वॉक करते हुए यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, मूव करते हुए यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वाइड एंगल तो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, मतलब ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट है भाई, पहला ऐसा फ़ोन है जो इस वेट में फ्रंट कैमरे में यार 4K रिकॉर्डिंग दे रहा है विद स्टेबलाइजेशन, ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर लगी। और क्वालिटी तो देख रहे हो आप, क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा, ऐसे में न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट भी आ गया, उस अपडेट के बाद क्वालिटी और भी ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है।
सो गाइस आपने देखे यहाँ पर सैंपल फोटोज वीडियोस दोनों के, आपको क्वालिटी कैसी लगी फोटोज वीडियोस की, ओवरऑल मोटोरोला के कैमरे की क्वालिटी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे मैं बताता हूँ मेरे को कैसी लगी यहाँ पर कैमरे की क्वालिटी। देखो फोटोज़ की बात करें, फोटोज़ की क्वालिटी में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होने की ज़रूरत है, खासकर इंडोर में नॉइज देखने को मिल रही है। वहीं आउटडोर में काफ़ी सुपर वर्क कर रहा है यहाँ पर, मतलब फोटोज़ की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, किस तरह का कोई इशू नहीं है। और वहीं वीडियो की बात करें, वीडियो क्वालिटी यार यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त मुझे लगी। यूजुअली मैं देखता हूँ लोग जो कोई भी कंपनी है फोटोज़ पे ज़्यादा फोकस करती है कंपेयर टू वीडियो पे, क्योंकि आज के टाइम में देखो ब्लॉगिंग करना है, कंटेंट रिकॉर्ड करना है, तो ऐसे में कैमरे की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप हमेशा फोटो पे वर्क करते रहें, मेगापिक्सल बढ़ा दें, उसका कोई बेनिफिट है नहीं। क्योंकि यूजुअली आज की डेट में जो कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे या फिर जहाँ पर भी कंटेंट क्रिएट करते हो, तो वहाँ पर वीडियो क्वालिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इंप्रूवमेंट उसमें होना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर फ्रंट कैम में जो 4K मिल जाता है विद स्टेबलाइजर, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी यहाँ पर। जो ब्लॉगर है उनके लिए बेस्ट फोन होने वाला है, और चाहे वो कंटेंट शूट करते हो, शॉर्ट वीडियोस रील वगैरह बनाते हो, तो भी मतलब फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगी। सो वीडियो आई पसंद तो वीडियो कर दें लाइक और शेयर कर दें, तो साथ चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब।